हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडी जंक्शन। कृति खरबंदा बॉलीवुड इंडस्ट्री की ट्रेंडिंग सेलिब्रिटीज़ में से एक है। बहुत ही कम समय में उन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग ही जगह बना ली है। आज की इस वीडियो में हम आपको उनके लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आप शायद नहीं जानते होंगे, तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कृति खरबंदा का जन्म 29 अक्टूबर 1990 को दिल्ली में हुआ। उसके बाद वह अपने परिवार के साथ दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट हुई। उनके छोटे भाई का नाम जयवर्धन खरबंदा और छोटी बहन का नाम इशिता खरबंदा है। कृति ने अपना एक्टिंग करियर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया था। वह बचपन से ही कई तरह के विज्ञापनों में भाग लेती थी। हाई स्कूल और कॉलेज के दिनों में भी कृति को कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स और मॉडलिंग्स के ऑफर आते थे, जिनमें भीम ज्वेलर्स, स्पार कमर्शियल्स और फेयर एंड लवली जैसे विज्ञापन शामिल हैं। कृति का करियर शुरू होने में स्पार एडवर्टाइजमेंट कंपनी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन दिनों निर्देशक राज निपला अपने विज्ञापनों के लिए कई सारे नए चेहरों की तलाश में थे। एक हॉट ड्रिंक के दौरान उन्होंने कृति खरबंदा को नोटिस किया। उस विज्ञापन के लिए तकरीबन 150 लड़कियों में से कृति को सिलेक्ट किया गया। उस सिलेक्शन के बाद कृति ने अपना एक्टिंग डेब्यू 2009 में आई तेलुगु फिल्म बोनी से किया। रूमर्स के अनुसार कृति खरबंदा और एक्टर पुलकित सम्राट एक दूसरे को डेट कर रहे थे, परंतु तकरीबन 5 महीने बाद कृति ने अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट किया। रीज़न बताते हुए कृति ने कहा कि वह अपने रिलेशनशिप के बारे में सबसे पहले अपने माता पिता को बताना चाहती थी और सब कुछ कन्फर्म होने के बाद ही उन्होंने अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली एडमिट किया। फेमस टेलीविजन शो बिग बॉस के दौरान टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने कमेंट किया था कि साउथ इंडियन फिल्म मेकर हमेशा अपनी फिल्मों में केवल गोल मटोल एक्ट्रेसेस को कास्ट करते हैं। उन्होंने यह बयान कृति खरबंदा को टारगेट करते हुए कहा था। इस पर रिप्लाई करते हुए कृति खरबंदा ने कहा था कि वह इससे पहले एक्ट्रेस हिना खान का बहुत सम्मान करती थी, लेकिन उनके इस बयान के बाद वह उनसे बहुत नाराज़ हो गई, क्योंकि कृति ने भी अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साउथ इंडियन फिल्मों से ही की थी। अपना एक्टिंग करियर शुरू करने से पहले कृति खरबंदा ज्वेलरी डिजाइनर बनना चाहती थी और इसलिए उन्होंने क्राफ्टिंग फील्ड में डिप्लोमा भी कंप्लीट किया था। कृति आज बॉलीवुड की एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस के रूप में जानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने कुछ सपने पूरे ना होने के कारण वह कभी कभी परेशान भी रहती हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कृति ने कहा था कि वह भविष्य में एक सक्सेसफुल ज्वेलरी डिजाइनर भी बन सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने एक्टिंग करियर को छोड़ना पड़ सकता है। 2017 में 27 साल की उम्र में कृति ने यह खुलासा किया था कि उन्हें अपनी बढ़ती उम्र की कोई चिंता नहीं है। उनका कहना है कि एज इज जस्ट अ नंबर, जब तक आपके पास जुनून और सहन शक्ति है आप चलते रहते हो। अगर आप किसी और को यह डिसाइड करने की परमिशन देते हो कि आप अच्छे हैं या बुरे, अपनी उम्र के अनुसार आप लायक है या नहीं, तो यह आपकी गलती है। मिडडे को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में कृति खरबंदा ने यह खुलासा किया था। कृति खरबंदा को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले लोग पसंद है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कृति खरबंदा ने कहा था कि मेरे बारे में यह एक अच्छी गुणवत्ता है कि मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, लेकिन कई लोग इसे एक बुरी आदत मानते हैं। कृति खरबंदा ने अपना एक्टिंग करियर 2009 में शुरू किया था। इन 10 सालों में कृति ने 25 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है, जिनमें शादी में ज़रूर आना, ब्रूस ली द फाइटर, वीरे की वेडिंग, यमला पगला दीवाना फिर से और हाउसफुल 4 जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। 2009 में अपना एक्टिंग करियर शुरू करने के बाद अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए कृति खरबंदा को कई सारे अवार्ड नॉमिनेशंस मिले, जिनमें साइमा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस कन्नड़, फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस कन्नड़, फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस तेलुगु और साइमा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस तेलुगु जैसे कुछ अवार्ड नॉमिनेशंस शामिल हैं। इसी के साथ कृति ने साइमा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स भी जीता है। रिपोर्ट के अनुसार कृति खरबंदा एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। टॉप प्लैनेट इन्फो के अनुसार कृति खरबंदा के नाम पर कर्नाटका और बेंगलुरु में लग्जरियस अपार्टमेंट हैं और इसी के साथ कृति खरबंदा की टोटल नेटवर्थ $1.5 मिलियन होने का अनुमान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए।